पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद ओमेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, पार्टिकल और एक्सट्रीम पोजीशन पर है टी इक्वल टू जीरो पर, तो आपको उन टाइम की वैल्यूज बतानी है जब वो मीन पोजीशन से √3a/2 डिस्टेंस पर हो। जब वो मीन पोजीशन से √3a/2 डिस्टेंस पर हो तब आपको उसके टाइम, देखो बेटा अपना सर्कल ये सारा टाइम कैलकुलेशन सर्कल से करेंगे, ये आपकी टी इक्वल टू जीरो सिचुएशन है, एक टाइम पीरियड मतलब इसका पूरा एक चक्कर, तो आप देख रहे बेटा ये 4 बार ऐसा होगा कि √3a/2 डिस्टेंस से निकलेगा। अगर आपका एम्पलीट्यूड आप ए लेते हो तो √3a/2 कुछ होगा ना इधर, जैसे ये डिस्टेंस मान लो √3a/2 है इस पोजिशन, तो आपका पहली बार ऐसा यहाँ होगा, दूसरी बार यहाँ होगा, तीसरी बार यहाँ होगा, फोर्थ बार यहाँ पर होगा। तो ये क्लियर है क्या पहले सबको कि जब M+A से मोशन, आप चाहे से इसको ऐसे समझिए x=0 पे था, ये +A पे था, तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है रूट, बट ये बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बनाने की, दिमाग में बन जाना चाहिए था आपको। ठीक है, √3a/2 डिस्टेंस से निकलना है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये √3a/2 डिस्टेंस एक बार यहाँ पर आएगा, दूसरी बार यहाँ पर आएगा, तीसरी बार इधर जाते वक्त आएगा, फोर्थ टाइम 4 बार क्रॉस करता है। तो ये जो अपनी SHM है ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही किसी को। तो क्या आप ये वाला एंगल निकाला कि आपने कितना होगा, अगर ये √3a/2 है ए है तो ये एंगल कितना होगा, धर्मांश आप बताएंगे क्या बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, ये √3a/2 ए तो ये कितना आ जाएगा, हाँ ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसको कितना घूमना पड़ गया यहाँ से आगे, पहली पोजीशन का टाइम कितना होगा बताओ, पहली पोजीशन में कितना टाइम लगेगा इस M+A से इस पोजीशन तक आने में, प्लस ए मतलब मीन पोजीशन से √3a/2 डिस्टेंस तक आना है +A से स्टार्ट करके, तो कितना टाइम लगेगा, ओमेगा दे रखा है आपको 4π, आ रहा है आपका बिल्कुल थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू T1 से निकाल रहे हैं क्या, बिल्कुल धर्मान बताइए एक बार, थीटा कितना ले रहे हैं, π/3 या π/6, क्यों यहां से यहां तक आना है, ये एंगल घूमना है ना, ये एंगल घूमना है π/6 इक्वल टू, क्लियर है आपके धर्मान बिल्कुल, इक्वल टू ओमेगा इंटू T2। हाँ बोलिए बेटा, एक सेकेंड, थैंक यू बता दिया, कुछ दिखता नहीं है, भव्य सिंह आ गया। हाँ तो ये बेटा सब लिंक रहेंगे यार, ये मिस मत करिए, क्लास आगे पीछे ज्वाइन कर रहे हैं लोग, तो ये या तो वीडियो से कवर करते हुए चलेंगे बिल्कुल साथ में, पीछे आगे नहीं हो जाए, बहुत पछतावा होता है, देखो ये थोड़ा पीछे छूट गया, इतना बोलने के बाद भी आर ना थोड़ा सा रोटेशन में लैग कर गया है, तो उसको बहुत दिक्कत हो रही है, बट ये कवर कर लेगा क्योंकि वीडियो आ जाएंगे, या फिर ये क्लास जो है दूसरी मैंने बताया उसको उसके साथ कवर कर लेगा, ठीक है ना, तो ऐसे लैग नहीं करेंगे, टाइम नहीं होता बेटा हमारे पास इस फील्ड में, यही है जो अभी लापरवाही कर जाता है वो बहुत आगे पछता लेता है, जो भी थोड़ा सा मेहनत कर लेता है, ज़्यादा मेहनत नहीं है फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मैनेज करते हुए चीज़ें कर लेता है ना ढंग से, अपने टीचर्स की बात मानते हुए वो सुखी रहता है इसमें। ठीक है, तो आपने π/6 30 डिग्री घुमा, तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, 1/8 लैग कर गया, 8/9 सॉरी आदित्य नहीं, मैंने आदित्य बोल दिया, 8/9 का फोन आया था मेरे पास, तो 1/24। ठीक है, तो 1 से 2 जाना है आपको, 1 से 2, तो 1 से 2 जाने के लिए आप उसमें अब टी इक्वल टू 0 से टाइम शुरू करना है, ये ध्यान रखें बेटा, जब टी इक्वल टू 0 उसने मेंशन कर दिया है तो हर बार इंस्टेंट आप टी इक्वल टू 0 से शुरू करके बोलोगे। ठीक है, तो 1 से 2 का लिखना है, तो आप 1 से 2 का लिख दो, फिर हम यहाँ इसको ओ पोजिशन बोल देते हैं, इसको ओ बोल देते हैं, तो O2 1 तो निकाल लिया आपने, ये पहला आंसर होगा, ओ से लेकर 2 तक, या तो पूरा एंगल ऐड कर दो वो भी सही है, या फिर आप 1 से 2 निकाल के वो ऐड कर दो, थोड़ा दिख जाएगा आपको, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप सीधा भी कर सकते हैं, 4π इंटू आपका डेल्टा टी, या टी कितना आ गया आपका यहाँ से, 1/12 आ जाएगा क्या, देखना है ये कितना आएगा आपका, 1/6 आएगा, 1/6 1 से 2 तक का, तो ओ से 2 तक का कितना हो जाएगा, ओ से 2 तक का आप ऐड कर दो उसमें, तो वो आंसर आपका T2 होगा, 1/24 + 1/6, तो आप कई बच्चों ने निकाल लिया होगा, मेरे हिसाब से ये 5/24 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये है आपका T1 का, T2 का आंसर ये है, दूसरी बार ऐसा यहाँ पर होगा, तो आप कहीं का भी निकाल सकते हैं बेटा, ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, आप पोजिशन बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, हम आपको तुरंत बताएंगे,
हमको यूसीएम से कंपैरिजन आता है। तो आप 2 से 3 तक क्या बताएंगे धर्मांश, बताइए एंगल कितना लेंगे। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये कितना हो गया, आप 120 हो गया क्या, बताओ। ये भी 60 हो जाएगा सेकंड से थर्ड का, बोलिए निकाल लेंगे बेटा इस तरह से करके, सेकंड से थर्ड तक का भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वो आंसर कितना आ जाएगा, 7/24 आ जाएगा T3 तक का। ठीक है ना, T3 पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो 7/24 आ जाएगा, वही पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ तक आप, ये कितना है 60 डिग्री का है ना, तो आप जो टाइम निकालेंगे उसमें T2 ऐड कर देंगे, तो 7/24 फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल लें फिर उसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो T4 चौथी बार आपका कितना आ रहा है, कोई बताओ किसी ने निकाला हो T4 तक, तो जो T4 तक पहुँच गया निकाला किसी ने। ये आ जाएगा आपका 11/24 आ जाएगा, ये आपका 11/24 आ जाएगा। तो ये 4 टाइम है बेटा, जबकि प्लस ए से शुरू करके और √3a/2 डिस्टेंस से निकलेगा, तो 4 बार तो निकलेगा हमको पता है, किसी भी बीच की डिस्टेंस से 4 बार निकल रहा है। प्लस ए से वापस प्लस ए पर आना है, अब a/2 ले लो, a/4 ले लो, a/6 कुछ भी ले लो, 4 बार क्रॉस कर रहा है। तो आपने, इसने बोलता कि डिस्प्लेसमेंट प्लस √3a/2 कितनी बार होगा, अगर ऐसे बोलता मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट प्लस √3a/2 तो 2 बार ही होता प्लस √3a/2, बट इसने बोला डिस्टेंस कितनी टाइम पर वो एट ए डिस्टेंस ऑफ √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड होगा। तो इस तरह से 4 वैल्यूज आ रही थी, तो मैं नहीं समझता था कि अब टाइप में कोई गलती करेगा इस तरह से टाइम निकालने में। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ही वैलिड है, क्योंकि आप उसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। अगर a = -ωs² नहीं होगा तो ऐसा कोई टाइम का रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल की मोशन ऐसी है कि उसका एक्सलरेशन -ωs² है, तो इस तरह की पोजीशन में टाइम आप बिल्कुल इस तरह के सर्कल से निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे छोटा मेथड नहीं मिल सकता है आपको।